नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। शुरुआत बाजार की खबर के साथ। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी 10,850 के स्तर के पार निकल गया। दिग्गजों के साथ साथ छोटे मझौले शेयरों में जोरदार खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 277 और निफ्टी 80 अंक की तेजी के साथ बंद हुए। बाजार की तेजी में कैपिटल गुड्स, पावर, मेटल, फार्मा और तेल गैस शेयरों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। तो आज बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली और हम आपको बता दें कि दिनभर का कैसा रहा बाजार का हाल, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे मेरे सहयोगी रजत। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि हफ्ते का आज पहला दिन था, जोरदार तेजी देखने को मिली आज के कारोबार में। जो बीएसई के सारे सेक्टर्स थे, सेक्टर इंडेक्स थे, वो हरे निशान में बंद हुए हैं। साथ ही साथ छोटे मझौले शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। रजत, ओवर टू यू। आज कैसा रहा बाजार के लिए पहला दिन? जी बिल्कुल, जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था और उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी पकड़ेगा मार्केट, लेकिन हैरान कर दिया मार्केट ने। 80 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी पे, 10,850 के पार बंद हुआ आज के सत्र में। सेंसेक्स में 276 अंक। आज मुद्दा यही था कि अंतरराष्ट्रीय क्यूज बहुत पॉजिटिव आए थे, उसका इंपैक्ट देखने को मिला इंडेक्स पे। बैंक निफ्टी ने तेजी पकड़ी तो 1% की तेजी आउटशाइन कर गया सभी इंडाइसेस को। बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी निफ्टी बैंक में और आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था, क्योंकि अब टीसीएस के नतीजों पर सारा फोकस हो जाएगा। उससे पहले आज मिड कैप आईटी में जबरदस्त चाल देखने को मिली और हेक्सावेयर का शेयर तो आज जोरदार एक्शन में था। इसके अलावा निफ्टी के चढ़ने वाले वेदांता, यस बैंक, एशियन पेंट्स और डॉक्टर रेड्डीज साबित हुए। यहां पर 2.5% 3.5% की तेजी बनती हुई नजर आई, लेकिन जो गिरावट थी उसमें था अल्ट्राटेक और टीसीएस। यहां पर कमजोरी देखने को मिल रही थी, टाइटन जैसी कंपनियां भी टूटती हुई नजर आई। आईटी शेयर्स आज एक्शन में थे, खासतौर से जो छोटे मझौले आईटी स्टॉक्स हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस, केपीआईटी, एचओवी सर्विसेज, हेक्सावेयर के साथ साथ चढ़ते हुए नजर आए। एक्शन स्ट्रांग था। बैंकिंग शेयर्स की बारी थी आज। कर्नाटका, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक और सिंडिकेट जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए और फाइनेंशियल्स जिसमें बीएफ इन्वेस्टमेंट, एमएनएम फाइनेंशियल और मन्नापुरम की बारी थी। आज अच्छी तेजी रिलायंस ग्रुप ने भी पकड़ी, जिसमें रिलायंस कैपिटल में परसेंटेज के लिहाज से अच्छे रिटर्न्स मिले। आज एक और थीम थी मार्केट की, वो थी मुंबई बेस्ड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां, क्योंकि जीवीके पार्क को फाइनेंशियल क्लोजर मिला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। ये स्टॉक चढ़ गया 4.5%। साथ साथ जयकॉप, रिलायंस इंडस्ट्रियल, इंफ्रा और वालचंद नगर भी चढ़ते हुए नजर आए। फार्मा शेयर्स में इंडियोको रेमेडीज, ग्रैंड न्यूज और डॉक्टर रेड्डीज। तो आज अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी और इसमें कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स थे, जैसे कि स्टरलाइट टेक, टाइम टेक्नो, एमओआईएल और पूर्वांकरा। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब रिजल्ट्स पे पूरा फोकस चले जाएगा।